एंड गाइस यहाँ से जो है हमारा सफर चालू हो चुका है आगे की तरफ। ओ भाई मिनी डोर वाले भैया, हो गया भाई सारा गेम खत्म। चलो भैया चलो चलो। और लीजिए आ चुका है ये रहा बिलाई सेक्टर 2 गणेश पंडाल। इतना सुंदर लग रहा है यार, हवा चेक कराना है कि ठीक है नॉर्मल तो लग रहा है पीछे का। मुझे तो इतना पता चल गया ये पूरा जो है ना सेक्शन झूले का होने वाला है और इधर जो है ना पूरा स्टॉल्स का। और वो देखिए सूरज चाचू भी जो है ना निकल पड़े बादलों के बाहर से। पीछे गाइस अपन पहुंच गए हैं सेक्टर 10 गणेश पंडाल के पास। चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल, ना फिर दिवांशु अंदर की नमस्कार। फिलहाल गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी जस्ट जो है ना मैं आया हूं फ्रेश होकर और आरती साथ कर दिया है मैंने व्लॉगिंग करना चालू बिना किसी देर के। और इसी के साथ लीजिए आ चुकी है अपनी प्यारी स्नो व्हाइट ऑन द रोड पे जो कि फुल ऑन रेडी है बॉस धूम मचाने को। देखते हैं आज की इस व्लॉग पे अपन कहां जाएंगे और कहां जाकर करेंगे व्लॉग को शूट। जहां भी जाएंगे आप लोगों को इन दिस व्लॉग पे तो पता चल जाएगा। शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो है ना इसी तरह व्लॉग पे बने रहिएगा। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और वो क्या है, भर भर के सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। जी हाँ दोस्तों, भर भर के सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा अपने देवांशु भाई को। ओके, और इसी के साथ लीजिए आ चुका है मेरा फ्रेंड, ये रहा है जो है ना मोबाइल चला रहा है। एंड गाइस यहां से जो है हमारा सफर चालू हो चुका है आगे की तरफ। ओ भाई मिनी डोर वाले भैया, चलो 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 चलो। ये मार्केट का चौक है तो यहां पे कुछ इस तरह का जो है ना व्यू मिलता ही है देखने को। और शाम होते होते जो है ना कुछ इस तरह का जो है ना व्यू मिलेगा ही मार्केट साइड लाइन से। देखो पूरा मार्केट जो है चालू हो चुका है। वाह यार ये देखो गणेश की मूर्ति, वाह यार मिलना भी चालू हो गया। कितनी सुंदर सुंदर, कितना प्यारा प्यारा है देखो। बढ़िया यार, मुझे लगता है कि आगे जाकर ना और भी क्या क्या सीन मिलेगा, आई डोंट नो, बस मैं वेट कर रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर भी गणेश जी की मूर्ति बहुत सारी है डूड। अभी तो ये बस शुरुआत है, 31 तारीख को जो है ना गणेश चतुर्थी है। और ये देखो स्कूल वाले बच्चों लोगों की छुट्टी हो गई, बढ़िया है। हो गया भाई तेरा गेम खत्म, चलो भैया चलो चलो। तो गाइस एक हाथ से जो ना चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो मैंने गाड़ी जो है ना उत्कर्ष के हाथ में दे दिया है, अब वो चलाएगा। और अपन पहुंच गए भिलाई सेक्टर 5 चौक की तरफ। है देखो आई लव भिलाई यार, क्या प्यारा शब्द है ना, जब भी जाता हूँ ना इस चीज को जरूर मैं जो है दिखाता हूँ अपने ब्लॉग पे। सो गाइस आज की इस ब्लॉग पे आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ गणेश चतुर्थी की जो है ना तैयारी किस तरह जो है चल रही है और पंडाल जो है ना कहाँ तक बना है और किस तरह का जो है ना पंडाल बनाया गया है ऑल ओवर जो है ना हमारे भिलाई सेक्टर तरफ। और थोड़ा सा जो है ना मेरा कैमरा का इफेक्ट भी मिल रहा है यार देखने को, मौसम का इफेक्ट के कारण बार बार जो है ना मेरे को टैप करके रखना पड़ रहा है स्क्रीन पे ताकि जो है ना कुछ इस तरह का जो है ना व्यू मिले देखने को आप सभी लोग को। और ये देखिए रॉन्ग साइड से आ रहे भाई साहब, वो भी पार्किंग इंडिकेटर जो है ना नहीं दिए। और लीजिए यहाँ से जो है तैयारी चालू हो चुका है। और ये जो भी तैयारी है ना भिलाई सेक्टर 2 गणेश चतुर्थी के लिए, देखो बढ़िया यार, रात में तो अलग ही व्यू मिलने वाला है जब ऑल ओवर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा तो। और लीजिए आ चुका ये रहा भिलाई सेक्टर 2 गणेश पंडाल, वाओ यार ब्यूटीफुल, देख रहे हो यहाँ से दिखेगा ऑल ओवर व्यू। भाई काम जारी है, देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। गाइस ये जो पंडाल बन रहा है ना सिद्धि विनायक मंदिर का बन रहा है, देख के बनाया गया कुछ इस तरह का जो है ना आकार, ऑल ओवर यार जबरदस्त है। अभी तो फिलहाल काम जारी है, 31 अगस्त तक टाइमिंग है यानी कि 29 अगस्त तक 30 अगस्त तक पकड़ के चलो। और सारे वर्कर्स जो है ना बाहर से आए हैं इतना बड़ा जो है ना पंडाल बनाने के लिए। हर साल कुछ ना कुछ जो है ना व्यू मिलता है देखने को लेकिन कोरोना के चलते जो है ना उतना जो है ना रौनक नहीं मिला देखने को, इस साल जो है ना जबरदस्त मिलने वाला है भिलाई सेक्टर 2 तरफ। ओ देखो वहाँ पे इस वक्त जो है ना वर्कर्स जो है ना काम कर रहे हैं और वहाँ पर भी हर जगह। और ये जस्ट जो है ना रोड पॉइंट के बाजू में ही है, देखो मेन रोड के बाजू में है, देखो ये बना हुआ है ऑल ओवर व्यू जबरदस्त है यार। सो गाइस आप लोगों को जो है ना इस वक्त जो है ना अंदर ले जाकर दिखाता हूँ मैं व्यू तो किस तरह का जो है दिखेगा। बाहर से तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ये रहा रोड, बाप रे बाप खतरनाक लग रहा है। फिलहाल इस वक्त जो है ना अंदर काम चल रहा है अच्छे तरीके से, ये रहा अंदर का व्यू कुछ इस तरह का, आई डोंट नो बनने के बाद जो है किस तरह का जो है ना मिलेगा। बाहर से तो खूबसूरत लग रहा है लेकिन अंदर जब देखो अंदर भी जो है ना कलाकारी जो है ना चल रही है लाइटिंग्स का डेकोरेशंस का ऑल ओवर जबरदस्त यार।
और गणपति बप्पा का व्यू मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो किस तरह के जो है दिखते हैं, तो उसके लिए जो है ना मेरे को थनौत जाना पड़ेगा ऑल ओवर जो है ना व्यू कैप्चर करने के लिए, या फिर जो है ना यहीं पे वेट करना पड़ेगा 31 अगस्त का। तो गाइस ये था व्यू पंडाल के अंदर का, अब चलते हैं नेक्स्ट जगह, और नेक्स्ट जगह जो है ना आप लोगों को मैं ले जाकर दिखाता हूँ। तो गाइस जरा गाड़ी का पेट्रोल देखना, काटा एकदम जो है ना डाउन हो चुका है, अभी चलते सीधा पेट्रोल पंप की तरफ। मैंने भी जो है ना ध्यान नहीं दिया निकलने से पहले, मोड़ ले यहाँ से टर्न ले लीजिए। अपन पहुँच गए पेट्रोल पंप, डलवाते हैं पेट्रोल, और यहाँ पर भी जो है ना लाइन लगाई क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है ना। कितना पेट्रोल का दाम? 102.73। हवा चेक कराना है कि ठीक है, नॉर्मल तो लग रहा पीछे का। सो गाइस यहाँ से जो है चालू हो गया भिलाई सेक्टर 1 गणेश पंडाल, ये देखो धीरे धीरे बन रहा है, साइड से तो व्यू एकदम तबाही लग रहा है, सामने से एक बार देखना है, बहुत बड़ा बन रहा है बॉस। और ये देखो, वाह 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 वाह। तो गाइस ये था एंट्री पॉइंट और ये रहा मेन पंडाल, और यहाँ पे इस बार जो है ना गुफा बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर यार। अभी तो फिलहाल कारी जो है ना प्रगति पे है, और ये देखो लाइन से यहाँ से जो है ना पूरा स्टॉल्स लगना जो है चालू हो गया है, धीरे 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 करते करते पूरा जो है ना आकार दे रहे हैं स्टॉल्स का। जब लगेगा फुल लाइटिंग के साथ आई डोंट नो किस तरह का जो है ना व्यू मिलेगा देखने को, जबरदस्त यार, एकदम आखिरी तक है ना पूरा स्टॉल, और उस तरफ भी है, ये देखिए जबरदस्त यार, सही है बॉस। ये देखिए किस तरह जो है यहाँ पे काम चल रहा है, लकड़ी कटाई और खुदाई का, जबरदस्त यार। 31 अगस्त के लिए बहुत लोग जो है ना वेट कर रहे हैं सुंदर सा व्यू जो है ना देखने के लिए। सो गाइस यहाँ से चालू है देखो झूला सेक्शन, अभी फिलहाल यहाँ पे रखे हैं झूला लाइन से, मेरे ख्याल से ये ड्रैगन वाला झूला है, और साइड में जो है ना रोलर कोस्टर वाला है मेरे ख्याल से। बहुत अलग अलग वेराइटी टाइप के जो है ना झूले मिलेंगे यहाँ पे देखने को, फिलहाल अभी तो लाइन ही है, जो भी है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इन दिस व्लॉग पे। मुझे तो इतना पता चल गया ये पूरा जो है ना सेक्शन झूले का होने वाला है, और इधर जो है ना पूरा स्टॉल्स का आधा, और फिर उसके बाद जो है ना आप लोगों को गणेश पंडाल जो है ना व्यू मिलेगा, यानी कि गुफा वाला। और यहाँ पे जो है ना तीन एंट्री गेट है मेरे ख्याल से, एक तो पहला वहाँ से जो कि डायरेक्ट जो है गणेश पंडाल आप लोगों को जो है एंट्री होने का मिलेगा, और दूसरा यहाँ से जहाँ पे जो है स्टॉल वाला मिलेगा, और तीसरा जो है ना मेरे ख्याल से वो रहा आखिरी वाला जो कि ना झूले सेक्शन में लेके आएगा। तीन गेट है, और ये जो है ना ये पूरा लाइन से ये पार्किंग लॉट एरिया है, बढ़िया यार, एकदम बड़े मैदान में जो है ना जबरदस्त बना रहे व्यू। तो चलिए गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट जगह, चलो 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 गाइस। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भिलाई सेक्टर 10 गणेश पंडाल। फिर से ट्रैफिक हो गया रोड में, जब भी सोचता हूँ जो है ना एकदम क्लीन एंड क्लियर मिलेगा, बट नहीं, भिलाई की सड़कों में जो ना शाम होती साथ कुछ इस तरह का जो ना व्यू मिलना तय है यार। तो लीजिए गाइस अपन पहुंच गए ग्लोब चौक के पास, वाह यार ब्यूटीफुल यार। लीजिए गाइस अपन पहुंच गए हैं सेक्टर 10 गणेश पंडाल के पास, और वो देखिए सूरज चाचू भी जो ना निकल पड़े बादलों के बाहर से, मस्त सीन है ना। और ये रहा व्यू है देखो झूला सेक्शन का, और यहाँ पे जो ना दो गणेश बैठते हैं, और दोनों तरफ जो ना जबरदस्त तैयारी चल रहा है, ये ऑल ओवर जो ना रोड के बाजू में देखो सीन मिल रहा है झूला सेक्शन का, और पंडाल अंदर साइड में, सही है। फिलहाल अंदर चलते हैं, अंदर का जो ना व्यू आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ से जो ना एंट्री पॉइंट है। चलो वाह वाह जबरदस्त हैरी चल रहा है बॉस, 75% जो है ना ऑल ओवर काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो ना 25% जो है बचा हुआ है, बहुत मेहनत चल रहा है यार। सो गाइस ये रहा व्यू भिलाई सेक्टर 10 गणेश पंडाल का, और यहाँ पे जो ना केदारनाथ भगवान जी का मंदिर बन रहा है, अभी तो फिलहाल देखो कुछ इस तरह का जो ना व्यू है, आप लोगों को जो ना अंदर भी ले जाकर मैं दिखाऊंगा, फिलहाल बाहर सेक्शन का देख लो, यानी कि स्टॉल्स वगैरह, जबरदस्त सीन है।
और ये सभी जो है ना वर्कर्स हैं बाहर बाहर से आए, यानी कि कोलकाता से आए। बढ़िया सीन यार। अभी जो है ना कार्य फिलहाल अभी प्रगति पे है, देखते हैं 31 अगस्त को जो है किस तरह का जो है व्यू मिलता है पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं अब अंदर, दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर का व्यू किस तरह का जो है दिख रहा है। बाहर से तो मैंने आप लोगों को ऑल ओवर दिखा दिया, अंदर का जो है ना कार्य दिखाता हूँ किस तरह जो है चल रहा है। बाकी जो है ना सारे वर्कर्स जो है ना बाहर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो है ना सुंदर लगना चाहिए और अंदर तो फिलहाल बाद में चलेगा काम। और कुछ इस तरह का व्यू है देखो डोम के अंदर। लाइटिंग शाइटिंग तो अभी हुआ नहीं है, बस वायरिंग का काम चल रहा है और बांस का पूरा फिटिंग का काम चल रहा है। मस्त है ना व्यू। और ये देखो अंदर से बाहर का व्यू, ये पूरा ढांचा है। जब कपड़ा लगेगा तो किस तरह का जो है ना व्यू मिलने वाला है, यानी कि टू हार्ड यार, बहुत प्यारा लगेगा। पूरा डोम में बना रहे हैं, हमारे सेक्टर 6 में भी बना है ये डोम, लेकिन अभी तक जो है ना तैयार नहीं हुआ है। पता नहीं कब जाकर जो है तैयार होगा और वहाँ पर जो है ना कब मिलेगा गणेश चतुर्थी का पूरा ऑल ओवर व्यू, यानी कि बनते हुए। वैसे ये रहा सेक्टर 10 गणेश पंडाल का झूला सेक्शन, कुछ इस तरह का है। यहाँ से जो है स्टार्टिंग है। ब्यूटीफुल यार, अभी फिलहाल पेंट हो रहा है और जुड़ रहा है हर एक सामान, है कि नहीं जबरदस्त। जब लाइटिंग शाइटिंग होगा ना एक नंबर लगेगा यार व्यू। आई होप कि आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज की इस व्लॉग पे बस इतना ही। दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ। आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माय चैनल याद से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।